Hello friends, welcome to my channel Study with Kartik. Today we will study maths linear equations. तो आज हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे linear equations. तो आज हम लोग कुछ और equations को solve करने जा रहे हैं. पहला question है यहाँ पर 2m plus 5 by 3 is equal to 3m minus 3. इसे हम लोग कैसे solve करें? अब हम लोग इसे लिख सकते हैं 2m plus 5 by 3 is equal to 3m minus 10. तो यहाँ पर हम लोग 2m plus 5 को इसी side रखेंगे. 2m plus 5 को हम लोग इसी side रखेंगे, left hand side. और यहाँ पर 3 है माइनस 10 है, तो जो 3 बच गया वो हम लोग दूसरे साइड ले जाएंगे. तो 3 है यहाँ पर डिवीजन में, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन. 3 है यहाँ पर, अब 3, अब हम लोग इन दोनों को 3m और माइनस 10 को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. 3m माइनस 10 अब हो गया 2m प्लस 5 is equal to 3 bracket 3m minus 10. तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है, दूसरा लोग ये मल्टीप्लीकेशन है. तो 3 into 3m हो गया 9m. अब 3 into minus 10 हो जाएगा minus 30. तो 9m minus 30. अब हम लोग इसे easily solve कर सकते हैं. यहाँ पर जो denominator था जो कि 3, उसे हम लोग दूसरे साइड ले गए तो हो जाएगा, हो गया मल्टीप्लीकेशन. अब हम लोग इसे solve करते हैं. तो 2m यही पर रहेगा, यहाँ पर ये plus 9m है, तो दूसरे साइड जाएगा तो जाएगा minus 9m. लाइफ टर्म्स को एक साथ लेंगे, माइनस 30 यहाँ पर है, प्लस 5 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एक जाएगा तो हो जाएगा माइनस 5. तो 2 है माइनस 9 है, हो जाएगा माइनस 7 है. 2 माइनस 9 होता है माइनस 7, तो 2 है माइनस 9 है, हो गया माइनस 7 है. तो माइनस 30 माइनस 5 हो गया माइनस 35. अब हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है माइनस 7 एम का वैल्यू, पर हम लोग को वैल्यू चाहिए एम का. इसके लिए हम लोग इसे लिखेंगे यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर m यही पर आएगा और माइनस 7 उससे आ जाएगा, m रहेगा यही पे और माइनस 7 उससे आ जाएगा. तो माइनस 35 बाय माइनस 7. अब हम लोग इसे करते हैं डिवाइड. तो 7 5 जा 35, अब ये 1 हो गया, ये 5. अब क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव होगा. तो इसका लो कि हम m का वैल्यू हो गया यहाँ पर 5. तो ये हो गया इसका आंसर. तो इसे हम लोग वेरीफाई करके भी देख सकते हैं, m का आंसर होगा 5, m का वैल्यू है 5. अब है दूसरा क्वेश्चन, 3x minus 1 by 5 is equal to minus x by 7 is equal to 3. तो इसे अब हम लोग कैसे करेंगे, ये भी कुछ इसी के तरह क्वेश्चन है पर ये थोड़ा सा अलग है. तो इसे भी हम लोग इसी वे में सॉल्व करते हैं. यहाँ पर 3x minus 1 by 5 है minus x by 7. अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब 5 और 7 है, इन दोनों का एलसीएम क्या हो गए 35. 5 और 7 का एलसीएम हो गया 35. अब यहाँ पर 3x minus 1 और यहाँ पर बच गया minus x, तो इन दोनों का हम लोग बनाएंगे लाइक. तो 3x हो गया यहाँ पर, तो 3x into 5 7 है, 5 into 7 हो जाएगा 35. 3x into 5 हो जाएगा यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर ऑफ 5, तो इन दोनों का हम लोग बना रहे लाइक ताकि हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट कर सके. तो इसलिए हम लोग इसे इस तरह करेंगे. 3x 5 into 7 हो गया 35, 3x into 7 हो गया 21x, 5 into 7 35 और 3x into 7 तो हो गया 21x. अब यहाँ पर है minus 1 और 5 into 7 हो गया 35, तो minus 1 into 7 हो जाएगा minus 1 into 7 हो जाएगा minus 7. फिर यहाँ पर है minus x, माइनस एक्स है तो इसे हम लोग क्या मान सकते हैं माइनस 1. तो फिर ये माइनस 1 हम लोग मान लेते हैं, तो माइनस 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस 7, माइनस 7x. तो 21x माइनस 7 माइनस 7x बाय 35, राइट हैंड साइड हो गया 3. अब 20x 1x माइनस 7 माइनस 7x, 21 माइनस 7x हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 14x. 21 करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो 5 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 35. अब जिस नंबर से हम लोग डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे उस नंबर से हम लोग न्यूमरेटर को भी करेंगे, तो 5 into 7 हो जाएगा 35, तो 3x into 7 हो जाएगा 21x. 5 into 7 हो गया 35, तो minus 1 into 7 हो गया minus 7. अब यहाँ पर minus by 35 रहेगा, तो 7 into 5 हो गया 35. और ये x into, ये x है तो इसे हम
मान सकते हैं 1/7, 1 x/7 भी हम लोग मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा x/7, तो ये हो जाएगा 7 × 5, ये हो जाएगा 5x/35 = 3। तब हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 21x - 7 - 5x/35 = 3। तो 21x - 5x हो जाएगा 16x, तो 16x - 7 हो गया by 35 हो गया। अब यहाँ पर बचेगा 3 राइट हैंड साइड में, तब यहाँ पर 16x - 7, अब यहाँ पर 35 है, तो 35 का हम लोग ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो 16x - 7 = 3। अब 35 है यहाँ पर डिवीजन में, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, अब बन जाएगा वो मल्टीप्लीकेशन, 16x - 7 = 35 × 3 हो जाएगा 5 × 3 = 15, 3 × 9 = 10, 105। अब 7 को हम लोग उधर ले जाएंगे -7 को, तो 16x = -7 हो जाएगा, जो हो जाएगा +7, 105 + 7, तो 16x = 112। फिर x का वैल्यू हम लोग को ढूंढना होगा, तो हम लोग को 16x का वैल्यू ढूंढ, और हम लोग को ढूंढना है 16 का वैल्यू, x का वैल्यू 112/16। फिर ऐसे हम लोग कर देंगे रिड्यूस, ये हो जाएगा 16 × 7 = 16 × 6 = 36, 6 × 6 = 9, 16 × 7 = 112, 16 × 16 = 16, 7 = 112, तो इसका वैल्यू हो गया 7, तो x का वैल्यू हो गया 7, तो 7 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से हम लोग कुछ ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जहाँ पर डिवीजन भी हो, कुछ इस तरह 2m + 5/3 हो या फिर 3x - 1/5 हो, तो हम लोग कुछ इस तरह सॉल्व करते हैं, तो एक इजी मेथड है इसे सॉल्व करने के लिए। सो विल स्टडी मोर अबाउट लीनियर इक्वेशंस इन वर्ड वेरिएबल इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।